और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है 7 अक्टूबर को जो हुआ वो सही है, इसराइल को ईरानी की चेतावनी। और देखिए अजुबे की नमाज के बाद सुप्रीम लीडर जो ईरान के हैं उन्होंने धमकी दी है इसराइल को। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने नमाज का नेतृत्व किया और इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले के बाद पहली बार खामनेई सार्वजनिक सभा में पहुंचे थे। अपने संबोधन में उन्होंने दुनिया के मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की, साथ ही कहा कि दुश्मन के मंसूबे पस्त होंगे।